हेलो स्टूडेंट्स, हमारा इम्यूनोलॉजी में आज का जो टॉपिक है वो है सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षी तंत्र की कोशिकाएं एवं अंग। प्रतिरक्षी तंत्र में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से डिफरेंट टाइप के या वेरियस टाइप के ऑर्गन्स एंड टिश्यूज पाए जाते हैं जो कि बॉडी में इधर उधर फैले रहते हैं। इनकी क्रियात्मक विभिन्नता के आधार पर इन ऑर्गन्स को दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो कि लिम्फोसाइट के लिए उचित मैचुरेशन एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट देते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो कि ये टिश्यूज एंड वैस्कुलर स्पेसेस से एंटीजन्स को ट्रैप करने का काम करते हैं। इन अंगों में लिम्फोसाइट्स एंटीजन के साथ में क्रिया करती है और रक्त परिसंचरण एवं लसीकीय तंत्र इन अंगों को एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कर देते हैं। ब्लड, लिम्फ एंड लिम्फाइड ऑर्गन्स में डिफरेंट टाइप की ल्यूकोसाइट सेल्स जो हैं पाई जाती हैं जो कि इम्यून सिस्टम में या इम्यून रेस्पॉन्सेज के डेवलपमेंट में पार्ट लेती हैं। इन कोशिकाओं में केवल लिम्फोसाइट सेल्स ही ऐसी होती हैं जिनके अंदर की डाइवर्सिटी, स्पेसिफिसिटी, मेमोरी, रिकॉग्निशन इत्यादि गुण पाए जाते हैं, और दूसरी तरह की जो सेल्स हैं वो केवल एक एक्सेसरी भूमिका निभाती हैं। लिम्फोसाइट को एक्टिव करती हैं एंड फैगोसाइट एवं डिफरेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका सीक्रेशन करने का काम करती हैं। नाउ अब हम पहले ये जानेंगे कि जो लिम्फोसाइट सेल्स हम अभी तक पढ़ रहे थे कि बी सेल्स और टी सेल्स कहाँ से आती हैं, कहाँ उनका मैचुरेशन होता है, ये अब हम जानेंगे, कहाँ उनका परिपक्वन होता है। तो उसको जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बी सेल्स और टी सेल्स का निर्माण कहाँ पर होता है। इसके लिए हम पहले हिमेटोपोइसिस पढ़ेंगे। हिमेटोपोइसिस क्या मतलब है? ब्लड सेल्स के निर्माण की क्रिया को हिमेटोपोइसिस कहते हैं। हिमेटोपोइसिस का निर्माण भ्रूणीय परिवर्धन के प्रारंभ में योक सेल में उपस्थित स्टेम सेल्स के द्वारा होता है। मींस हिमेटोपोइसिस की जो शुरुआत होती है वो कहाँ पर होती है? योक सेल्स के अंदर जो स्टेम सेल्स होती हैं वहाँ पर इनकी शुरुआत होती है, और यहाँ पर जो योक सेल्स की स्टेम सेल्स हैं वो एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन युक्त प्राइमरी एरिथ्रोसाइट सेल्स में रूपांतरित हो जाती हैं। मींस स्टेम सेल्स कन्वर्टेड इंटू एरिथ्रोइड प्राइमरी एरिथ्रोइड सेल्स में रूपांतरित हो जाती है। यहाँ पर यह 3 महीने तक रहती हैं। गर्भावस्था के या प्रेगनेंसी के 3 महीने से 7वें महीने तक ये स्टेम सेल्स योक सेल्स से माइग्रेट करके फिर लीवर एंड स्प्लीन के अंदर चली जाती हैं। मींस 3 से 7 महीने तक ये लीवर और स्प्लीन के अंदर प्रवास करती हैं, वहाँ पर रहती हैं, और गर्भावस्था के 3 से 7 महीने में इन अंगों से रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, और गर्भावस्था के अंत में मीन्स प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने में ये अस्थि बोन मैरो में रक्त कोशिकाओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। मीन्स 8th और 9th मंथ में बोन मैरो से सेल्स का निर्माण, ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। तो पहले से 3रे महीने में योक सेल्स में प्रेजेंट स्टेम सेल्स के द्वारा एंड 3रे-4थे महीने से लेकर के 7वें महीने तक स्प्लीन और लीवर के अंदर स्टेम सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा, और गर्भावस्था के 8वें और 9वें महीने में बोन मैरो के अंदर सेल्स का, ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। हर एक ब्लड सेल्स का निर्माण एक सामान्य स्टेम सेल्स के द्वारा ही होता है। इस तरह से जो हिमेटोपोइटिक सेल्स, स्टेम सेल्स जो होती हैं वो प्लूरीपोटेंट होती हैं, मींस कुछ सेल्स का ही निर्माण कर पाती हैं, और ये वेरियस पाथवेज के द्वारा डिफ्रेंशिएट होकर के एरिथ्रोसाइट सेल्स, ग्रेडुलोसाइट सेल्स, मोनोसाइट सेल्स, मास्ट सेल्स, लिम्फोसाइट्स और मेगाकैरियोट सेल्स में बदल जाती हैं। इन स्टेम सेल्स की संख्या शरीर के अंदर काफ़ी कम होती है, और इन स्टेम सेल्स में सेल्फ रिनोवेशन की क्षमता भी पाई जाती है, और इनके अंदर
होम्योस्टेसिस को बनाए रखने की क्षमता भी इनके अंदर होती है। जब ब्लड के अंदर सेल्स की मांग अधिक हो जाती है तो ये स्टेम सेल्स जो हैं प्रोलिफरेशन का काम बड़ी तेजी से करती हैं और सेल्स का निर्माण करने में सहायक होती हैं। ये जो हिमेटोपोइसिस के प्रारंभ में जो प्लूरीपोटेंट सेल्स है वो स्टेम सेल्स डिफ्रेंशिएट होकर के सबसे पहले लिम्फोइड स्टेम सेल्स या माइलॉइड स्टेम सेल्स में रूपांतरित हो जाती है और माइक्रो एनवायरनमेंट में उपस्थित ग्रोथ फैक्टर्स की मात्रा एवं प्रकार के आधार पर जो स्टेम सेल्स डिफ्रेंशिएट होकर के विभेदन को नियंत्रित करती है। तो देखिए आप लोग कि किस तरह से जो एक प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है सबसे पहले वो लिम्फोइड सेल्स के अंदर बदलती है और फिर माइलॉइड स्टेम सेल के अंदर बदलती है। इसके अंदर भी सेल्फ रिनोवेशन की क्षमता होती है और जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स हैं उनके अंदर भी सेल्फ रिनोवेशन की क्षमता होती है और साथ में जो माइलॉइड स्टेम सेल है उसके अंदर भी सेल्फ रिनोवेशन की क्षमता इनके अंदर होती है। जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स है वो फिर विभेदित होकर के टी प्रोजिनेटर सेल्स का निर्माण करती हैं और फिर ये टी प्रोजिनेटर सेल्स जो हैं वो थाइमस में जाकर के मैच्योर होती हैं, उनका परिपक्वन यहाँ पर होता है और डिफरेंट टाइप के इंटरल्यूकिंस की सहायता से ये टी एच सेल्स का निर्माण करती हैं और टी सी सेल्स का निर्माण करती है। टी एच मीन्स टी हेल्पर सेल्स और टी सी मीन्स टी सी साइटोटॉक्सिक सेल्स का निर्माण करती हैं। इसी तरह से जब लिम्फोइड सेल्स जो हैं वो इंटरल्यूकिन 7 और इंटरल्यूकिन 3 की सहायता से बी प्रोजिनेटर सेल का निर्माण करती हैं और ये बी प्रोजिनेटर सेल्स डिफरेंट इंटरल्यूकिंस की सहायता से बी सेल्स का निर्माण करती हैं। मीन्स टी सेल से टी लिम्फोसाइट सेल का निर्माण होता है और बी सेल से बी लिम्फोसाइट सेल्स का निर्माण होता है। तो देखा आपने कि एक स्टेम प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स है वो पहले लिम्फोइड स्टेम सेल का निर्माण करती है, लिम्फोइड स्टेम सेल्स फिर दो प्रोजिनेटर सेल्स का निर्माण करती है, टी प्रोजिनेटर सेल्स और बी प्रोजिनेटर सेल्स। टी प्रोजिनेटर सेल से टी एच और टी सी सेल्स का निर्माण होता है और बी प्रोजिनेटर सेल से बी सेल्स का निर्माण होता है। इसी तरह से जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है माइलॉइड स्टेम सेल का निर्माण करती है और ये माइलॉइड स्टेम सेल्स जो है वो डिफरेंट टाइप की प्रोजिनेटर सेल्स का निर्माण करती है और ये प्रोजिनेटर सेल्स जो होती हैं इनके अंदर सेल्फ रिनोवेशन की क्षमता खत्म हो जाती है। तो ये डिफरेंट इंटरल्यूकिंस और ग्रोथ फैक्टर्स की सहायता से या कॉलोनी में स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की सहायता से पहले ग्रेन्युलो मोनोसाइट प्रोजिनेटर सेल्स में बदलती हैं, एओसिनोफिल प्रोजिनेटर सेल्स के अंदर बदलती हैं, बेसोफिल प्रोजिनेटर के में बदलती हैं और यहाँ पर मेगाकैरियोट सेल्स के अंदर बदलती हैं और एरिथ्रोइड प्रोजिनेटर सेल्स का निर्माण करती है। ये प्रोजिनेटर सेल्स जो है ग्रेन्युलो मोनोसाइट प्रोजिनेटर सेल्स जो है ग्रेन्युलो मोनोसाइट कॉमन कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर की सहायता से पहले मोनोसाइट सेल्स का निर्माण करती है और ये मोनोसाइट सेल्स जो है फिर मेगा मैक्रोफेजेस का निर्माण करती है। इसी तरह से जो ग्रेन्युलो मोनोसाइट सेल्स हैं ये न्यूट्रोफिल्स ये मोनोसाइट सेल्स जो है ये न्यूट्रोफिल्स में भी बदल जाती है और इससे न्यूट्रोफिल का भी निर्माण होता है और ये सब मिलकर के फाइनली मैक्रोफेजेस सेल्स का निर्माण करती हैं। दूसरा प्रोजिनेटर सेल्स जो है वो इओसिनोफिल सेल्स का निर्माण करती है, बेसोफिल प्रोजिनेटर सेल्स जो हैं वो बेसोफिल सेल्स का निर्माण करती हैं और जो बेसोफिल प्रोजिनेटर सेल्स हैं वो इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 9 की सहायता से मास्ट सेल का निर्माण ये करती हैं। मेगाकैरियोट सेल्स जो हैं ग्रेन्युलो मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स की सहायता से ये प्लेटलेट्स का निर्माण करती हैं और इसी तरह से जो इरिथ्रोइड प्रोजिनेटर सेल्स जो होती हैं वो इरिथ्रोसाइट सेल्स का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से जो डिफरेंट टाइप की सेल्स जो कि हमारे इम्यून रेस्पॉन्सेज में काम आती हैं उन सेल्स का निर्माण यहाँ पर हो जाता है एक स्टेम सेल्स के द्वारा।
नाउ इन स्टेम सेल्स में लिम्फोइड एंड जो माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं वो ही विभेदित होकर के प्रोजेनिटर सेल्स का निर्माण करती हैं। जो वयस्क बोन मैरो में जो हीमोपोएटिक सेल्स जो होती हैं वहाँ पर स्ट्रोमल सेल्स के जाल पर परिपक्वन करती हैं और वृद्धि करती हैं। मेन स्ट्रोमल सेल्स जो होती हैं वो फैट सेल्स होती हैं, एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स और मैक्रोफेजिस सेल्स के रूप में पाई जाती हैं। ये सेल्स एक माइक्रो एनवायरनमेंट प्रदान करती हैं जो कि विस्तृत होने वाले ग्रोथ फैक्टर्स को सीक्रेट करने का काम ये करती हैं। हीमोपोएटिक सेल्स की सर्वाइवलिटी, प्रोलिफरेशन, डिफ्रेंसिएशन और मैचुरेशन हेतु डिफरेंट टाइप के ग्रोथ फैक्टर्स की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम कॉमनली कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स इनको हम कहते हैं। सबसे पहला मल्टी स्टिमुलेटिंग फैक्टर इंटरल्यूकिन 3 होता है, ग्रेन्युलो मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर MCSF, मैक्रोफेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर GCSF, ग्रेन्युलोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर इरिथ्रोपोएटिन फैक्टर IL-1-2, IL-10, इंटरल्यूकिन 1-10 ग्रोथ फैक्टर्स। ये डिफरेंट ब्लड सेल्स की के ओरिजिन, मैचुरेशन, डिफ्रेंसिएशन में ये सब फैक्टर्स जो हैं वो काम में आते हैं। थैंक यू।